नीमच में एक मां ने अपनी बेटी की मौत पर ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप मां के पहुंचने से पहले ही कर दिया गया क्रियाक्रम। इलाज के अभाव में बेटी की मौत और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में इंदौर निवासी सौदागर परिवार की महिला गुरुवार को नीमच पहुंची, जहां उसने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और दहेज मांगने के आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी सूरज कुमार वर्मा के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की। रोशनी की माँ द्वारा बताया गया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अपनी दोनों बेटियां अंजलि और रोशनी की शादी नीमच में अभिषेक और ऋतिक दोनों भाइयों से की गई थी। विवाह के बाद कुछ समय ससुराल पक्ष दोनों के साथ अच्छे से रहा और फिर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े करने लगे एवं दहेज लाने की बात को लेकर दबाव बनाने लगे। बताया जा रहा है कि रोशनी की तबीयत करीब एक माह से खराब थी और रोशनी के ससुराल वालों ने उसका ठीक तरह से इलाज नहीं करवाने के चलते रोशनी की मृत्यु हो गई और रोशनी की माँ को सूचित किए बिना रोशनी का क्रियाक्रम कर दिया गया। पीड़ित ने ज्ञापन में मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए। मैं लेके आई हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। मैं इंदौर से आई हूँ, मेरी नाम ज्योति है। मेरी दो बालिका मैंने ब्याह यहाँ करा था नीमच के अंदर, अंजलि रोशनी नाम है, और दो भाई है, दो बहन है ये, और मैं शादी यहाँ पे आके करके गई हूँ इनकी छुट्टी की। मेरी लड़की डेढ़ साल शादी हुई है अभी इनकी, डेढ़ साल तक की मेरी लड़की को उन्होंने दहेज के लिए टाचर टोच टोच करते गए, क्योंकि तेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, दहेज तेरी मम्मी ने कुछ नहीं करा। उस टोचर के खिलाफ से लड़की बीमार पड़ गई, क्योंकि रात और दिन टॉर्चर करते थे उस लड़की को, तो वो लड़की बीमार पड़ते पड़ते वो ज़्यादा पड़ गई थी। और उन्होंने कोई हॉस्पिटल भी नहीं दिखाया, कहीं लेके भी नहीं गए। वो जब बोलती थी अस्पताल लेके जाओ तो कहते तेरी माँ से पैसे मंगा, तेरी माँ को बुला, तेरी माँ भर्ती करा, मैं तेरी मम्मी को बुला लें, तेरी मम्मी एडमिट करा रही, तेरी मम्मी। और बोलते तुम्हारा इंदौर नहीं है ये, कि जब उठे जब तू भर्ती हो जाती है, तेरे बाप ने क्या नोट दे दिया हमको कि हम तेरे भर्ती कराएंगे, हम तेरा इलाज कराएंगे। वो लड़की इसमें की टॉर्चर होते 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 इतनी हो गई कि लड़की एकदम कि 12 बजे रात से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उसने बोला 12 बजे भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही, मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, तो उन्होंने क्या मालूम क्या खिला दिया, बोले सो जाए इससे अच्छी हो जाएगी, दवा सोएगी नहीं तो मारेंगे, हम मारेंगे तो सोएगी नहीं तो, और दवा गोली बोले खाती नहीं है, हमको झूठ झूठ बोलती, मुझे रात भर परेशान करती है। इसको बोलती है मैं छोटी वाली को कि फ़ोन करके मम्मी को बोलना अच्छी है, कुछ नहीं हुआ है, और बोले तेरी मम्मी से पैसे मंगा ले, हम तेरी मम्मी से पैसे मंगा के हम में कोई चालू करेंगे बिजनेस कपड़े का। वो कपड़े बेचते थे वो राइडर अपने कौन से राजवाड़ा में बस स्टैंड पर उनकी दुकान है, कपड़े की दुकान है, उनके कपड़े बेचते थे। बोलो कि मेरी मम्मी मेरे पापा को, मेरी मम्मी उनके पापा कहते थे कि कपड़े डलवाएँगे हम माल वाल, तेरी मम्मी से पैसे मंगा ले। बहुत ज़्यादा ही हंसते ज़्यादा टॉर्चर करते थे वो, इतना टॉर्चर करते थे कि लड़की सेम नहीं कर पाई वो टॉर्चर उनका। मेरा नाम अंजलि है, मेरी बड़ी वाली बहन, मेरी हम दो ही बहन को साथ में दिया गया था ससुराल में, वो मेरी जेठानी भी लगती, मेरी बहन भी लगती। कहाँ करी थी शादी? शादी कहाँ हुई? शादी नीमच में हुई थी, रंजीत, मेरे ससुर का नाम है रंजीत, मेरी सास का नाम है रचना, और जो मेरी बहन शांत होगी उसके हस्बैंड का नाम है ऋतिक। मेरी बहन रात भर पूरी मेरी बहन अच्छी थी, मेरे संग रोटी खाई, खाना खाया, पूरे घर भर के संग बैठी उठी। रात में 12 बजे उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो मेरे सास ससुर उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए, मैंने बोला उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा, तो मुझे बोलते तू नीमच की डॉक्टर है कि तू इलाज करेगी उसका, तुझे हॉस्पिटल लेकर जाकर पैसे तेरी मम्मी से मांगा और तू उसे हॉस्पिटल ले जा। और मेरी बहन भी बोली मुझे हॉस्पिटल ले जाने तो मर जाऊँगी। 12 बजे जो तड़पी उन्हें, 3 बजे उसने अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद भी मम्मी को खबर नहीं करी, और मुझे मैंने बोला क्या हो गया, ये सो क्यों गई? इस पर कह रहे कि बेहोश हो गई है, तो इसकी तबीयत ख़राब है, चक्कर खा के बेहोश हो गई है। तो मैंने भी मम्मी को फ़ोन ला के मैंने खुद बोला मम्मी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही, दीदी मर गई है, सूट भी नहीं रही, बेहोश हो गई है बिल्कुल, ये दीदी मर गई तो आ जाए मम्मी। तो फिर मम्मी से कहता कि नहीं अच्छी मत आना,